तारीफ खुदा ही को सजावार है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार पर हैं वो अपनी मखलूकत में जो चाहता है बढ़ाता है बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है जो अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं और वो गालिब हमत वाला है लोगो, खुदा के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो क्या खुदा के सिवा कोई और खालिक और राजिक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिज दे उसके सिवा कोई मबूद नहीं बस तुम कहां बह के फिरते हो और ए पैगम्बर सल्लाह अगर ये लोग तुमको झुटलाए तो तुमसे पहले भी पैगम्बर झुटलाए गए हैं और सब काम खुदा ही की तरफ लौटाए जाएंगे दोगो खुदा का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे और न शैतान फरेब देने वाला तुम्हें फरेब दे शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम भी उसे दुश्मन ही समझो वो अपने पैरवों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दो जख्बालों में हो उन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है लाज जिस शख्स को उसके आमाल बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे तो क्या वो नेकukar आदमी जैसा हो सकता है बेशक खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है तो उन लोगों पर अफसोस करके तुम्हारा दम न निकल जाए ये जो कुछ करते हैं खुदा उससे वाकिफ है और खुदा ही तो है जो हवाएं चलाता है और वो बादल को उभारती हैं फिर हम उसको एक बेजान शहर की तरफ चलाते हैं फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा कर देते हैं इसी तरह मुर्दों को जी उठना होगा जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब खुदा ही की है उसी की तरफ पाकिजा कले चढ़ते हैं और नेकमल उनको बुलंद करते हैं और जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका मकर नाबूद हो जाएगा और खुदा ही ने तुमको मट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया और कोई औरत ना हामिला होती है और ना जनती है मगर उसके इल्म से और ना किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और ना उसकी उम्र कम की जाती है मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है बेशक ये खुदा को आसान है दोनों दरिया मिलकर यकसा नहीं हो जाते ये तो मीठा है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है और ये खारी है कड़वा और सबसे तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो वो रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है हर एक एक वक्त मुकर तक चल रहा है यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है उसी की बात है और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार न सुने और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी बात को कबूल न कर सकें और कयामत के रोज तुम्हारे शिरक से इनकार कर देंगे और खुदाए बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा लोगो, तुम सब खुदा के मोहताज हो और खुदा बेपरवा सजावार हमदो सना है चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक लाआबाद करे खुदा को कुछ मुश्किल नहीं और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो कोई उसमें से कुछ न उठाएगा अगर कराबतदार ही हो पैगंबर सलाम तुम उन्ही लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और नमाज बिल इंतजाम पढ़ते हैं और जो शख्स पाक होता है अपने ही लिए पाक होता है और सबको खुदा ही की तरफ लौट कर जाना है और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं न अंधेरा और रोशनी और न साया और धूप और न जिंदे और मुर्दे बराबर हो सकते हैं खुदा जिसको चाहता है सुना देता है और तुम उनको जो कब्रों में मदफून है सुना नहीं सकते तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला भेजा है और कोई उम्मत नहीं मगर उसमें हिदायत करने वाला गुजर चुका है अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग उनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं उनके पास उनके पैगंबर निशानियाँ और सहीफे और रोशन किताबें ले लेकर आते रहे मैंने काफिरों को पकड़ लिया सो देख लो कि मेरा आजाब कैसा हुआ क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से मैं बरसाया तो हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंगों के कत आत और बाज कालेह हैं इंसानों और जानवरों और चार पायों के भी कई तरह के रंग हैं। खुदा से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब है। खुदा गालिब और बख्शने वाला है जो लोग खुदा की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं वो उस तिजारत के फायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी के खुदा उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा वो तो बख्शने वाला और कदरदान है ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है बेशक खुदा अपने बंदों से खबरदार और उनको देखने वाला है फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ म्या रोहे और कुछ खुदा के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं यही बड़ा फजल है लोगों के लिए बहिश्ते जाविदानी है जिनमें वो दाखिल होंगे वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी वो तो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और कदरदान है जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा यहां ना तो हमको रंज पहुंचेगा और ना हमें तकान ही होगी और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए दो की आग है ना उन्हें मौत आएगी कि मर जाएं और ना उसका अजाब भी उनसे हल्का किया जाएगा हम हर एक ना शुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं वो उसमें चिल्लाएंगे क्या परवरदिगार हमको निकाल ले अब हम नेक अमल किया करेंगे न वो जो पहले करते थे क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया तो अब मजे चखो का कोई मददगार नहीं खुदा ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है वो तो दिल के भेदों तक से वाकिफ है वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलों का जानशीन बनाया तो जिसने कुफर किया उसके कुफर का जरर उसी को है और काफिरों के हक में उनके कुफर से परवरदिगार के हां नाखुशी ही बढ़ती है और काफिरों को उनका कुफर नुकसान ही ज्यादा करता है फला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन से कौन सी चीज पैदा की है या बताओ कि आसमानों में उनकी शिरकत है या हमने उनको किताब दी है तो वो उसकी सनद रखते हैं इनमें से कोई बात भी नहीं बल्कि जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज फरेब है खुदा ये आसमानों और जमीन को थामे रखता है कि टल ना जाए अगर वो टल जाए तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके बेशक वो बुर्दबार और बख्शने वाला है येगा की सख्त सख्त कस्मे खाते हैं गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया और बुरी चाल का बवाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है ये अगले लोगों की रविश के सिवा और किसी चीज के मुंतजिर नहीं सो तुम खुदा की आदत में हर गिज तबदुल न पाओगे और खुदा के तरीके में कभी तगैर न देखोगे क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ हालांकि वो उनसे कुत में बहुत ज्यादा थे और खुदा ऐसा नहीं कि आसमान और जमीन में कोई चीज उसको आजिश कर सके वो इल्म वाला और कुदरत वाला है और अगर खुदा लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक चलने फिरने वाले को न छोड़ता लेकिन वो उनको एक वक्त मुक्र तक मोहलत दिए जाता है सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके आमाल का बदला देगा खुदा तो अपने बंदों को देख रहा है